हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीनियस में। दोस्तों, हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने मेडिकल के दौरान देखे जाने वाले ज़रूरी कागजात के बारे में बात की थी। दोस्तों, हमें एक कमेंट्स आया था कि उसमें कमेंट्स में ये पूछा था कि शपथ पत्र किस प्रकार से होता है, कहाँ बनता है, इसके बारे में कुछ समझाएँ सर। और एक प्रमाण पत्र होता है जो प्रधान के द्वारा बनता है, उसके बारे में वो लिखा था सर, उसका नाम क्या है, वो हम आज आपको सब कुछ बड़े विस्तार से बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो और हमारी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारी आपके बहुत मेरे सब्सक्राइबर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सब्सक्राइब दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, हमारी वीडियो को बहुत लाइक कर रहे हैं, ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। कुछ लोग हैं जो कमेंट्स में थोड़ा लिखते हैं, गलत बोलते हैं, तो वो ऐसे ही रहेंगे हमेशा, उनका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आप उन किसी के चक्कर में ना आओ, आप पढ़े लिखे हो और आप पुलिस वाले बन गए हो। ठीक है दोस्तों, और कुछ मेरे होने वाले आने वाले पुलिस वाले भाई हैं और आप हो, और मैं ही आपका ही भाई हूँ, आपके जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों आप बताते हैं शपथ पत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये है शपथ पत्र, इसे हम आपको जूम करके दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए, इसमें आपका नाम होगा, उम्र लगभग, पुत्र श्री, निवास, मकान, डाकघर भी, इसमें आपका पूरा एड्रेस है दोस्तों ऊपर, और ये नीचे आपका हम मैं, अपना नाम लिखना आप जो भी हो। ठीक है दोस्तों, आप सब मेरे प्यारे भाई हो, तो अपना यहाँ पर नाम लिखना, यहाँ पर नीचे ये दिखा है ज़िला है, और आपका अनुक्रमांक जो आपका नंबर है वो लिखना यहाँ पे दोस्तों। ये आप इसे अच्छे से वीडियो को रोक कर देख लो ना। ठीक दोस्तों, ये सब कुछ है। और दोस्तों हाँ, इसका PDF मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लेना, और जब आप इसे बनवाने जाएँ तो आप ये आपका ये कचहरी बनेगा 10 रुपये के स्टाम्प पर। आप जब जाओगे कचहरी में तो उसको दिखाना टाइपराइटर को, सर ये है इस प्रकार से छपना है, तो इसे आपको छाप कर दे देगा, आपको कुछ नहीं करना, वो सब ये सब बनाते हैं। हम भी जब गए थे तो हमने बस उसको बताया तो उसने तुरंत बोला सर हम तो ऐसे काफ़ी बनाते हैं, लाइए, उसने हमारा 2 मिनट में बना कर दे दिया, तो आप इस चीज़ से मत घबराए, वो खुद बना देगा। ठीक है दोस्तों, और ये पूरा दिखाते हैं आपको, ये इस प्रकार से ये पूरा बनेगा। ठीक है, वो आपको सब कुछ बताएगा, बढ़िया करके दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दिखाते हैं स्टाम्प के बारे में, स्टाम्प कैसा है। दोस्तों यह है स्टाम्प, इस प्रकार का स्टाम्प होगा, और उस पर ये नीचे वो बिल्कुल बना के बढ़िया से आपको मोहर वोहर लगा कर दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये तो होगा आपके कचहरी से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात कर रहे थे वो प्रधान वाला, तो दोस्तों प्रधान के पास एक शपथ पत्र होता, प्रमाण पत्र होता है, जिसमें आपका ये देखा जाता है कलेक्टर के बारे में, कैसा व्यवहार है आपका, कोई क्लेम तो नहीं है आपके पास, इस प्रकार से वो आपका भविष्य के बारे में सब कुछ उसमें लिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो आपका अच्छे से बना कर दे देगा, वो उनके पास पैड होता है, वो सब कुछ आपको बना करके दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो वो भी आपका प्रधान के पास से बन जाएगा, उसे बनवा लेना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक यह चरित्र प्रमाण पत्र, यह आपके इस प्रकार का कॉलेज से बनता है, इसे भी आप ज़रूर बना लें, इसके 6 माह तक वैलिड होता है, तो इसे भी आप जल्दी से बनवा लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप इस प्रकार से वर्दी पहन कर आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हम वीडियो बनाते हैं, आपने कमेंट्स करा उसके लिए मैंने आप ये छोटी सी वीडियो बना दी है। ठीक है दोस्तों, और मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए मेडिकल के बारे में बहुत ही विस्तार से वीडियो बनाऊं, ताकि आपको मेडिकल के दौरान कोई दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा मेडिकल हुआ था उसी प्रकार से आपको समझाऊँगा। ठीक है दोस्तों, मेरा समझाना और बाहर के वीडियो देखने में फ़र्क होगा आपके लिए, क्योंकि मैं सही बात बताता हूँ, जो देखा है जो किया है, वो और लोग हैं जो चैनल वाले हैं उन्होंने देखा कुछ नहीं, बस अंदाजे से ही आप बड़ी बड़ी बातें मारते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच्चाई है, जो कुछ है मैं जो मैंने देखा है क्या है वही आपको बताता हूँ दोस्तों, बस झूठ कोई बात नहीं बताता हूँ।
ठीक है दोस्तों। हाँ बात अलग है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो एकदम करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो सब लखनऊ से ही आपको भर्ती बोर्ड को ही बिल्कुल फिक्स पता है, जब रिजल्ट आएगा उसी को पता है कि क्या होगा। हम वो बात जानकारी तो आप पढ़े लिखे हो जान नहीं सकते, गुप्त होता है सब कुछ, तो ये सब हमारा अनुमान ही होता है। लेकिन बाकी जो बातें हैं और बाकी विभागीय बातें हैं, जो जानकारी है छुट्टी के बारे में बताऊँ, कितनी छुट्टी होती है, मेडिकल के बारे में बताऊँगा, ड्यूटी के बारे में बताऊँ, बहुत काम है वो सब कुछ मैं आपको उसके बारे में आपको अच्छे से बता ही सकता हूँ, ये आप जानते ही हो। बाकी और चैनल वाले हैं जो नौकरी नहीं करते और घर बैठ के इधर उधर की बात में ला कर आपको फंसाते हैं, तो वो तो बढ़ चढ़ के बताएंगे, लेकिन मेरे मुँह से अगर मैं बढ़ चढ़ के बताऊँ तब भी मैं सच्चाई नहीं, उनकी तरह झूठ नहीं बोल पाऊँगा, सच्चा ही बता पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप बढ़िया से हमारे वीडियो देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें आप मेरे भाई, और जल्दी से आइए। ठीक है दोस्तों, तो और ये हमारी महिला पुलिसकर्मी है, ये देखो। ठीक है दोस्तों, सभी के लिए है आप। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मेडिकल के बारे में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बढ़िया से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।